Hello everyone. Good morning students. Today our topic are phylum Platyhelminthes. इसके features क्या होते हैं फिर Platyhelminthes के we are describe. They have dorsoventral flattened body. इसकी body जो है dorsoventral होती है और flattened होती है. Flattened होने की behavior पे इसको हम flat worm भी बोलते हैं. तो कभी कभी पूछा जाता है कि which phylum are known as flat worm. तो आपको आना चाहिए कि फाइलम प्लेटेहेलमिन्थीज आर नोन एज फ्लैट वार्म. दीज आर मोस्टली इंडो पैरासाइट इन नेचर या इंडो पैरासाइट इन नेचर को शो करता है और दे आर फाउंड इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स बींग. ये ह्यूमन्स बींग के अंदर जो है उनके उसके इंटरनल पार्ट्स में पाए जाते हैं. ये पैरासिटिक नेचर्स को अपना जो है नेचर्स लिव करते हैं. फ्लैट वॉर्म्स और बायोलेटरली इसके स्ट्रक्चर कैसा होता है. फ्लैट वॉर्म का जो स्ट्रक्चर है वो बायोलेटरल होता है, सिमेट्रिकल होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, एसिलोमेट होता है. एसिलोमेट एनिमल्स होते हैं. मतलब एसिलोमेट्स मीन्स क्या होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक. इसका मतलब कि इसकी जो बॉडी लेयरिंग होती है वो थ्री लेयरिंग की होती है, जिसको हम इक्टोप्लाज्म, इक्टोडर्म, मेजोडर्म एंड एंडोडर्म बोलते हैं. सिमेट्रिकल इन नेचर को शो करता है. एसिलोमेट होता है, एसिलोमेट मीन्स उसमें कैविटी एब्सेंट होता है. उसकी आर्गन का जो स्ट्रक्चर होता है वह जो है उसके आर्गन स्ट्रक्चर, आर्गनाइजेशन जो होता है स्ट्रक्चर का आर्गन लेवल का होता है. और प्लेटिहेलमिन्थ में हुक्स एंड सकर्स आर प्रेजेंट इन द पैरासिटिक फॉर्म. उसके जो स्ट्रक्चर होती है उसमें हुक्स पाए जाते हैं जो कि फूड प्रोडक्ट को सक करने के लिए यूज किया जाता है. मतलब वह सकिंग का यूज करता है और इसे ब्लड का सकिंग करना फूड प्रोडक्ट के रूप में वो लेता है. जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उसको उसी हुकर्स के माध्यम से वह सक करता है. सम ऑफ देम एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम होस्ट डायरेक्टली थ्रू दियर बॉडी सर्फेस. वो अपने बॉडी सरफेस से वह डायरेक्टली अपने हुक्स के थ्रू फूड न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है. इसलिए इस जो है उसमें हुक्स आर प्रेजेंट. इसमें स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड फ्लेम सेल हेल्प इन ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सप्रेशन. इसकी बॉडी में एक सेल पाई जाती है जिसको हम कहते हैं फ्लेम सेल. यह फ्लेम सेल जो है ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सप्रेशन में हेल्प करता है. इसके लिए अदर्स जो है कोई अलग से उसमें आर्गन नहीं होता एक्सक्रीशन के लिए. इसी सेल्स के ही माध्यम से वह एक्सक्रीशन का वर्क करता है. और इसमें सेक्स आर्गन जो है सेपरेट, सेक्स और नॉट सेपरेट. इसमें जो सेक्स होते हैं वो सेपरेट नहीं होते हैं. मेल और फीमेल सेक्स आर्गन जो है सेपरेट नहीं होते हैं. इसमें फर्टिलाइजेशन जो है इंटरनल होता है और उसका डेवलपमेंट लार्वल स्टेज से स्टार्ट होता है. सम मेम्बर्स लाइक प्लेनेरिया, इसमें कौन सा मेम्बर्स आ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल में प्लेनेरिया है और इसमें जो है रीजनरेशन की कैपेसिटी बहुत हाई अमाउंट्स में होता है. रीजनरेशन होता क्या है, री मतलब अगेन, जनरेट करना मतलब किसी भी उसके उसके पार्ट्स को, उसकी बॉडी को कहीं से भी कट करने पे वह अगेन जो है एक न्यू प्लेनेरिया का फॉर्मेशन करता है. दीज आर नोन एज रीजनरेशन. इसको क्लास टेंथ में मैंने बताया था रीजनरेशन. जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में किस वजह से प्लेनेरिया में रीजनरेशन की प्रोसेस जो है कब सबसे ज़्यादा पाई जाती है और इसके किसी भी पार्ट्स के हम कट करते हैं तो अगेन एक न्यू प्लेनेरिया का फॉर्मेशन करता है. अगर हाई स्कूल की बुक हो तो उसमें आप देखिएगा. इसमें फॉर एग्जाम्पल में आ जाएगा टीनिया जिसको टैप वॉर्म करते हैं, फैसियोला लीवर फ्लूइड जिसको हम लीवर, उसका अदर नाम है लीवर फ्लूइड. तो प्लेटेहेलमिन्थीज के करेक्टर्स हो गए. नेक्स्ट आपका है एस्केल्मिन्थीस. एस्केल्मिन्थीस में क्या क्या आ जाएंगे इसके बारे में डिस्क्राइब किया जाएगा. एस्केल्मिन्थीस में एस्केल्मिन्थीज उसकी बॉडी जो है एस्केल्मिन्थीज की सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होता है और यह राउंड वॉर्म इसमें आ जाएगा.
राउंड वर्म दे इसकी स्ट्रक्चर जो होती है राउंडेड होता है और इसमें राउंड वर्म आएगा दे इसका राउंड वर्म का करेक्टर्स क्या होता है कि दे में भी फ्री लिविंग ये फ्री लिविंग होते हैं और एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल आर पैरासिटिक इन प्लांट्स एंड एनिमल्स राउंड वर्म हैव ऑर्गन सिस्टम इसका नेचर होता है कि यह फ्री लिविंग होते हैं यह एनिमल्स की इंटरनल पॉट्स में भी मिल सकता है किसी टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में भी उस एनिमल्स में भी ये राउंड वर्म पाए जाते हैं जिसको हम एस्केलमेंथीस में ये राउंड वर्म आते हैं और इसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर होती है वो ऑर्गन लेवल्स की होती है तो इस बिहेवियर पे इसकी करेक्टर्स के बेसिस पे राउंड वर्म हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और ये बायलेटरल होते हैं सिमेट्रिकल होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं स्यूडोसिलोमेट होता है स्यूडोसिलोमेट क्या होता है इसको मैंने जो इसकी पिछली वीडियो जो आपका है उसमें आप लोग देखिएगा फिलहाल मैं आप लोगों को थोड़ा सा मैं बता दूँगी कि स्यूडोसिलोमेट्स मीन्स वहाँ पे फॉल्स कैविटी आर फाउंड सो डैट इज नोन एज स्यूडोसिलोमेट्स इसमें एलिमेंट्री कैनाल इज कम्प्लीट विथ एनिमल्स एलिमेंट्री कैनाल कम्प्लीट होते हैं और ये वेल डेवलप्ड होते हैं जिसमें आ जाएगा मस्कुलर फेरिक्स एंड एक्सक्रीशन ट्यूब रिमूव बॉडी वेस्ट फ्रॉम बॉडी कैविटी थ्रू द एक्सक्रीटरी पोर्स इसमें एक्सक्रीटरी पोर्स होते हैं सेक्स इसमें सेपरेट होते हैं सेक्स आर सेपरेट जिसमें जिसको अगर जब सेक्स ऑर्गन सेपरेट होते हैं तो दीज आर नोन एज डायोसियस इसको हम डायोसियस कहेंगे मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर सेपरेट सो डैट इज नोन एज डायोसिस यहाँ डायोसिस राइट किया हुआ है तो डायोसिस का मीन्स यही होता है कि सेक्सेस आर सेपरेट मतलब मेल सेक्स मेल अलग होगा फीमेल अलग होगा जब मेल और फीमेल अलग अलग हैं तो उसमें सेक्स ऑर्गन भी अलग होगा तो सेक्सेस आर सेपरेट मेल एंड फीमेल्स आर डिस्टिंक्ट ऑफन फीमेल आर लॉन्गर देन मेल्स इसमें करेक्टर होता है कि जो फीमेल है ये दीज आर लॉन्गर इन कंपैरिजन टू द मेल मेल की हाइट उसकी कम होती है इन कंपैरिजन टू द फीमेल्स और इसमें फीमेल्स फर्टिलाइजेशन जो है इंटरनल होता है और डेवलपमेंट जो है डायरेक्टली यंग वंस रिजेंबल यंग वंस से यह इनडायरेक्टली भी इसमें जो है रिप्रोडक्शन की होती है फॉर एग्जाम्पल इसमें आ जाएगा एस्केरिस एस्केरिस इसी का अदर नेम है राउंड वर्म कभी कभी एस्केलमेंथीज में पूछा जाता है कि फॉर एग्जाम्पल बताएं तो इसके नेम से ही क्लियर हो रहा है एस्केलमेंथीज का जहाँ नाम लिए उसमें एस्केरिस बिलोंग करेगा बाउचेरिया बाउचेरिया यह एक तरह का डिजीज भी काज करता है जिसको हम फाइलेरिया वर्म भी कहते हैं और नेक है हुक वर्म क्या होता है इसका अदर नाम है एनसाइक्लोहिस्टोमा तो ये सारे जो स्पीसीज नेम दिया हुआ है तो कभी कभी पूछा जाता है कि एस्केलमेंथीस की स्पीसीज नेम राइट करें तो आपको ये आना चाहिए इसमें मैंने क्या बताया आपको फालम एस्केलमेंथीस की कि फालम एस्केलमेंथीस में सर्कुलर क्रॉस सेक्शन स्ट्रक्चर पाया जाता है ये राउंडेड होते हैं इसलिए इसमें राउंड वर्म आ जाए इसके करेक्टर के बेस पे इसको राउंड वर्म कहते हैं और यह पैरासिटिक टेरेस्ट्रियल नेचर को शो करता है और एक्वेटिक नेचर भी शो करता है एक्वेटिक मतलब यह वाटर्स में भी पाए जाते हैं और टेरेस्ट्रियल लैंड्स में भी मिलते हैं पैरासिटिक नेचर को शो करते हैं चाहे प्लांट्स कभी कभी देखते हैं कि काफ़ी प्लांट्स पुराना हो जाता है उसकी कटिंग हम जड़ से करते हैं तो ढेर सारे स्केरिस वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा तो प्लांट्स के अंदर भी ये पैरासिटिक नेचर को शो करते हैं सो इस तरह से यह टू फाइलम आपका कंप्लीट होता है ओके थैंक्स स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट फाइलम के बारे में डिस्कस किया जाएगा और नेक्स्ट फाइलम आपका रहेगा एनीलिडा आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का इसके बारे में मैं डिस्कस करूँगी ओके स्टूडेंट्स।